अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल तारिक फॉर यू में आपका इस्तकबाल है। आज एमएस वर्ड के पार्ट नंबर 20 के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंसर्ट मेनू के टेक्स्ट ब्लॉक में सिग्नेचर लाइन और डेट एंड टाइम के बारे में। क्या अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करते हैं जिसमें आप अपना डिजिटल सिग्नेचर ऐड करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से किया जाता है, या अगर आप डॉक्यूमेंट्स में टाइम और डेट वगैरह सेट करना चाहते हैं वो किसी भी लैंग्वेज में हो, इंग्लिश में, उर्दू में, हिंदी वगैरह में, तो वो किस तरीके से सेट किया जाता है, तो आज के इस वीडियो में हम इसी को प्रैक्टिकली यूज करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं। टेक्स्ट लेने के लिए हम टाइप करेंगे रेंड और ब्रैकेट, इंटर कर देंगे, ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया है। ये फॉर एग्जांपल हमारा ये एक डॉक्यूमेंट्स है जिसमें हम डिजिटल सिग्नेचर ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे, तो डिजिटल सिग्नेचर किस तरीके से ऐड किया जाता है। डिजिटल सिग्नेचर ऐड करने के लिए तो चलिए अभी कर्जर हमारा यहाँ पे है, तो इंसर्ट मेनू में यहाँ पे देखिए सिग्नेचर लाइन है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा सजेस्टेड साइनर, यानी जिनका आप साइन ऐड करना चाहते हैं उसका यहाँ पे आप नाम लिखेंगे, जैसा कि मैं अपना नाम डाल देता हूँ। और फिर यहाँ पे है सजेस्टेड साइनर्स टाइटल, यानी जिसका साइन आप ऐड करना चाहते हैं उसका पोस्ट क्या है, उसका रिजिग्नेशन क्या है, वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे डाल देते हैं ऑफिस कोऑर्डिनेटर। उसके बाद यहाँ पे ऐड कर देते हैं ईमेल। अब जैसे हम यहाँ पे ओके करेंगे ये देखिए यानी सिग्नेचर लाइन यहाँ पे ऐड हो चुका। अब अगर आप यहाँ पे सिग्नेचर ऐड करना चाहते हैं तो डिजिटल सिग्नेचर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप हैंड रिटेन कोई सिग्नेचर स्कैन करके अपने सिस्टम में रखे हुए हैं तो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इस पर हम सिग्नेचर ऐड करना चाहते हैं, तो सिग्नेचर ऐड करने के दो तरीके हैं, दोनों अभी हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। अब अगर हम यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम एक बार क्लिक करेंगे, अब ये देखिए सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे ये जो एक्स का निशान बना हुआ है इसके बगल में कहीं भी हम डबल क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ये कह रहा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव करिए जहाँ से आप डिजिटल सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट्स जब हम तैयार करते हैं सबसे पहले उसे सेव करना पड़ता है। चलिए यहाँ से हम यस कर देते हैं, अब सेव करने का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे हम इस फाइल का नाम दे देते हैं टेस्टिंग और इसको हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। अब जैसे हम सेव करेंगे यहाँ पे देखिए अब आ गया है सिग्नेचर टाइप करने के लिए कि आप किस नाम से यहाँ पे सिग्नेचर डालना चाहते हैं, किसका सिग्नेचर डालना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं, मैं अपना नाम टाइप कर दिया हूँ तारिक अनवर। अब यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ साइन, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये साइन हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यानी ये जो तारिक अनवर हम लिखे हैं वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं और ओके करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये सिग्नेचर हमारा ऐड हो चुका है। एक है ये तरीका सिग्नेचर ऐड करने का, ये डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसके अलावा अगर आप कोई हैंड रिटन में सिग्नेचर स्कैन करके रखे हुए हैं उसको भी ऐड करना चाहते हैं तो उसका भी सेम तरीका है, इसी तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको रिमूव करके इसकी जगह पे दूसरा सिग्नेचर ऐड करना चाहते हैं जो हम स्कैन करके रखे हुए हैं, तो वो ऐड करके आपको दिखाते हैं। अगर इस सिग्नेचर को हटाना हो तो यहाँ पे देखिए ऊपर में ऑप्शन आ रहा है एडिट एनीवे, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ये सिग्नेचर यहाँ से हट जाएगा। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से यस कर देते हैं। अब ये देखिए ये सिग्नेचर यहाँ से हट चुका है। फिर हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए जहाँ पे हम अभी नाम टाइप करके डिजिटल सिग्नेचर ऐड किए हैं उसके साइड में यहाँ पे दिखाई दे रहा है सिलेक्ट इमेज, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं यहाँ से हम ब्रोज पे फिर क्लिक करेंगे, यहाँ से जहाँ कहीं भी आपका कोई सिग्नेचर स्कैन करके रखा हुआ है वहाँ से सिलेक्ट करके आप ऐड कर सकते हैं। चलिए मान लीजिए हम यहाँ पे एक सिग्नेचर ऐड करके रखे हुए हैं तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से फिर सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे देखिए ये आ गया लिख करके, ये फॉर एग्जाम्पल हमारा सिग्नेचर है। तो हम यहाँ से जैसे साइन पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे अब ये देखिए ये सिग्नेचर यहाँ पे ऐड हो चुका है। दोनों तरीके से आप डिजिटल सिग्नेचर भी ऐड कर सकते हैं और अगर आप स्कैन करके रखे हुए हैंड रिटन में कोई सिग्नेचर तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। ये रहा पहला तरीका सिग्नेचर ऐड करने का। अब एक और दूसरा तरीका ये है कि चलिए हम पहले इसको डिलीट कर देते हैं, अब चलते हैं हम दूसरे तरीके पे, तो यहाँ से इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। दूसरा तरीके में सिग्नेचर ऐड करने के लिए हमको सी ड्राइव में जाना पड़ेगा। चलिए यहाँ से हम सी ड्राइव में जा करके एक सिग्नेचर ऐड करते हैं। सी ड्राइव पे जैसे हम क्लिक किए यहाँ पे आ गया हमारा प्रोग्राम फाइल, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पे आ गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा ये
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 16 है आपके पास, जो भी हो वो यहाँ लिख करके आएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। अभी हम 16 यूज कर रहे हैं तो 16 हमारे पास ये आ गया है, तो फिर हम इस पर डबल क्लिक करते हैं, खुल गया है। अब यहाँ से हम नीचे चलते हैं एस सीरीज में। अब यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है सेल्फ सर्ट, तो अब हम इस पर जैसे डबल क्लिक करेंगे यहाँ, तो यहाँ पे पूछ रहा है योर सर्टिफिकेट्स नेम, तो यहाँ पे जिस नाम से भी हम डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहते हैं, जिस नाम से भी हम सिग्नेचर ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं टी अनवर, और यहाँ से हम ओके कर देते हैं, और फिर ओके कर देते हैं। अब ये हमारा एक सिग्नेचर डिजिटल यहाँ पे ऐड हो चुका है। फिर हम यहाँ से मिनिमाइज कर देते हैं और चलते हैं हम इस फाइल पे। अब यहाँ से हम फिर इंसर्ट में जा करके और यहाँ से सिग्नेचर लाइन में जाएंगे और यहाँ पे हम कोई भी नाम टाइप कर लेंगे, टी अनवर हम यहाँ भी डाल देते हैं, और फिर यहाँ से डाल देते हैं कोऑर्डिनेटर, और फिर यहाँ पे आपके पास ईमेल है तो ईमेल भी डाल सकते हैं, नहीं है तो उसको छोड़ भी सकते हैं। चलिए हम अभी यहाँ पे ओके कर देते हैं। अब ये देखिए सिग्नेचर यहाँ पे आ गया है। अब जैसे हम इस पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट ये बॉक्स खुल करके आ गया है कि सिग्नेचर आप ऐड कर सकते हैं। इससे पहले जब हम इस डबल क्लिक करके सिग्नेचर ऐड करना चाह रहे थे, सबसे पहले ये कहा था कि अपने डॉक्यूमेंट्स को आप सेव करिए जिसके जरिए से आप सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब हम सी ड्राइव में जाकर के एक डिजिटल सिग्नेचर ऐड कर चुके हैं तो अब जैसे हम डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे सिग्नेचर का ऑप्शन आ जाता है और यहाँ से हम सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं, जिसका भी सिग्नेचर डालना चाहे यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसा कि हम डाल देते हैं शाबान, और यहाँ से साइन पे जैसे हम क्लिक करते हैं और ओके करते हैं तो ये देखिए ये सिग्नेचर यहाँ पे ऐड हो चुका है। ये है दोनों तरीका सिग्नेचर ऐड करने का। एक तो ये है कि आप फर्स्ट डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे तो उसी वक्त वो आपको ऑप्शन दे देगा, वहां से आप सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि सी ड्राइव में जा करके पहले आप एक सर्टिफिकेट बनाइए सिग्नेचर का और फिर उसके बाद आकर के यहाँ से सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। अगर आप इस सिग्नेचर को अब रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से एडिट एनी वे पे क्लिक करेंगे, ये सिग्नेचर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब एक बात ये हमेशा याद रखिए कि जब भी आपको सिग्नेचर ऐड करना हो तो सिग्नेचर ऐड करने से पहले पूरा डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल कम्प्लीटली पढ़ लीजिए, सेट कर लीजिए, जो भी चेंजिंग करना हो कर लीजिए, क्योंकि सिग्नेचर ऐड करने के बाद उसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स फिर एडिट नहीं होगा जब तक आप सिग्नेचर को डिलीट नहीं करेंगे। सिग्नेचर को डिलीट करेंगे उसके बाद ही आप डॉक्यूमेंट्स को फिर से एडिट कर सकते हैं, उसके बाद दोबारा फिर आप सिग्नेचर को ऐड कर सकते हैं। सिग्नेचर अगर आप ऐड कर दिए हैं तो उस वक्त आप इसको एडिट नहीं कर सकते हैं। अब हम आपको सेट करके दिखाते हैं डेट एंड टाइम। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट्स में डेट और टाइम सेट करना चाहते हैं, किसी भी लैंग्वेज में हो, उर्दू में हो, इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, किसी भी लैंग्वेज में आप अगर डेट और टाइम सेट करना चाहते हैं तो वो भी किसी भी लैंग्वेज में आसानी के साथ सेट कर सकते हैं। अगर आप हिजरी तारीख सेट करना चाहते हैं, हिजरी डेट डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, और अंग्रेजी डेट सेट करना चाहते हैं तो वो भी सेट कर सकते हैं। तो चलिए अभी हमारा कर्सर यहाँ पे है और यहाँ पे हम डेट सेट करना चाहते हैं तो इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे है डेट एंड टाइम। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे ये पूरा फॉर्मेट पहले से बना हुआ है, इसमें से किसी को भी हम सिलेक्ट करेंगे तो वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम एक आपको अप्लाई करके दिखाते हैं, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके करते हैं। ये डेट यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। डेट के साथ अगर आप टाइम भी डालना चाहते हैं तो चलिए हम इसको डिलीट कर देते हैं और फिर से डेट एंड टाइम पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे दिया हुआ है डेट के साथ टाइम भी, पहले से यहाँ पे टेम्पलेट बना के दे दिया गया है, डेट के साथ टाइम भी है, सिर्फ टाइम भी है। डेट एंड टाइम पहले जिस तरीके से यहाँ पे डेट सिर्फ दिया है, इसी तरीके से नीचे सिर्फ टाइम का भी दिया हुआ है और डेट के साथ टाइम भी दिया हुआ है। जो भी आप ऐड करना चाहे यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए हम डेट एंड टाइम दोनों सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके करते हैं। ये देखिए डेट और टाइम दोनों यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो चलिए इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब हम आपको सेट करके दिखाते हैं कि दूसरे लैंग्वेज में अगर आपको डेट और टाइम सेट करना हो तो वो कैसे सेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में दिया हुआ एक ऑप्शन लैंग्वेज का, जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे चार लैंग्वेज हमारे पास अभी दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम चार ही लैंग्वेज ऐड किए हुए हैं। जो भी लैंग्वेज आप यहाँ पे ऐड किए रहेंगे वही लैंग्वेज यहाँ पे शो होगा और उसी लैंग्वेज में यहाँ पे डेट और टाइम सेट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाते हैं इंग्लिश में, अभी आपको करके दिखाया, उसके बाद हिंदी में। जैसे हम हिंदी को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे देखिए पूरा डेट एंड टाइम हिंदी में आ चुका है। इसमें से किसी को भी हम सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो ये देखिए हिंदी में डेट अप्लाई हो चुका है, और इसी तरीके से डेट एंड टाइम हिंदी में भी अप्लाई हो जाएगा। चलिए हम डेट एंड टाइम यहाँ से ले लेते हैं और ओके करते हैं, देखिए डेट और टाइम दोनों हिंदी में अप्लाई हो चुका है। सेम तरीका है उर्दू का भी, फिर से हम डेट एंड टाइम पे चलते हैं और यहाँ से लैंग्वेज पे जा करके उर्दू सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ से कोई भी हम डेट और टाइम सिलेक्ट कर लेंगे वो उर्दू में भी लिख के आ जाएगा। चलिए सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके करते हैं तो ये देखिए डेट
और डे का नाम भी और सब कुछ यहाँ पे उर्दू में भी लिख करके आ गया है, डेट वगैरह भी आ गया है। तो इस तरीके से आप उर्दू में भी सेट कर सकते हैं। तो जो भी लैंग्वेज यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, ये डेट और टाइम उसी लैंग्वेज में यहाँ पे पूरा बदल जाएगा। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है कैलेंडर टाइप, यानी कौन सा कैलेंडर आप यूज करना चाहते हैं। तो जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे तीन दिखाई दे रहा है, ये सबसे पहला वाला इंग्लिश वाला है, उसके बाद हिजरी है, उसके बाद उमुल कुरा है। हिजरी और उमुल कुरा में बिल्कुल थोड़ा सा फर्क है। जैसे हम हिजरी पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए बिल्कुल थोड़ी सी तब्दीली आई है कहीं कहीं पे। उसके अलावा अगर हम उमुल कुरा को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ भी थोड़ी सी तब्दीली आती है, दोनों तकरीबन सेम ही है। जो भी आप यूज करना चाहें कर सकते हैं। जैसा देखिए अभी हम उमुल कुरा सिलेक्ट किए हुए हैं, यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके करते हैं तो ये देखिए जमादिसानी इस तरीके से ये चेंज होकर के आ गया है। जो भी यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे डेट एंड टाइम इसमें भी है, हर एक कैलेंडर में है। जो भी आप यहाँ से यूज करना चाहें कर सकते हैं और जिस लैंग्वेज में भी आप करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखें जो लैंग्वेज आप यहाँ पे ऐड किए हुए हैं यूज करने के लिए वही उसी लैंग्वेज में यहाँ पे शो होगा, वही लैंग्वेज यहाँ पे दिखाई देगा जितने लैंग्वेज आप यहाँ पे ऐड किए रहेंगे। यह तरीका डेट एंड टाइम सेट करने का कि जिस तरीके का या जिस लैंग्वेज में भी आप डेट और टाइम सेट करना चाहें आसानी के साथ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। अस्सलामु अलैकुम।